खबर है खेल के मैदान से और खबर कुछ अच्छी नहीं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 250 रन बनाए, बांग्लादेश ने 2 विकेटों पर ही हदफ हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया रिकॉर्ड बुक पर। कालक पोत दी है कप्तान अजहर अली ने, टॉस जीता बैटिंग का फैसला किया, सेंचुरी भी बनाई लेकिन कुछ काम नहीं आया और पाकिस्तान तीनों मैच बांग्लादेश से हार गया। आज के इस मैच में बांग्लादेश 8 विकेट से जीता है। हम इसी बारे में बात करेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी इस मैच के बारे में क्या राय है। सिकंदर बख्त, पाकिस्तान आज शिकस्त हुई है इस मैच में, वो भी सिर्फ ये नहीं कि चंद विकेट से हुई हो, 8 विकेट से बांग्लादेश ने मैच जीता, व्हाइट वॉश भी हो गया। क्या आपने सोचा था कभी कि ऐसा भी होगा बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान? देखिए, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, जब बांग्लादेश वर्ल्ड कप में खेल रही थी, वो बहुत अच्छा खेल रही थी, तो पहले तो हमें क्रेडिट देना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए बांग्लादेश को कि उन्होंने ये सीरीज जीती, व्हाइट वॉश किया और क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को बहुत इंप्रूव किया। जब वो बांग्लादेश में वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, उसी वक्त हमें शक पड़ा था कि शायद पाकिस्तान उनका मुकाबला ना कर सके, इसलिए कि पाकिस्तान लगातार ये छठी सीरीज हारा है जिसमें से 5 सीरीज जो है वो मिसबाह। सिकंदर, आप हमारे साथ रहिए, आपसे हम तफसीली तजिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है शुएब अख्तर ने, उनसे तजिया लेते हैं। शुएब, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तानी टीम बहुत ही बुरा खेली या बांग्लादेश बहुत ही अच्छा खेली? पाकिस्तान टीम कभी मैच में थी नहीं तीनों वनडो में, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अफसोस वाली बात है और शर्मिंदगी वाली बात है और मुझे काफी तकलीफ हो रही है देख के पाकिस्तान टीम इस मैच पर पहुंच चुकी है कि जहाँ पे बांग्लादेश उनको ना सिर्फ हराएगी बल्कि मारेगी भी एट द सेम टाइम। और जिस तरह वो खेली है, पाकिस्तान के भी मैच में था ही नहीं और लगता था कि एसोसिएट नेशन की एक टीम है पाकिस्तान जिसके खिलाफ बांग्लादेश खेल रही है। तो शुएब, क्या ये पाकिस्तान टीम में हमेशा के लिए हमें देख लेना चाहिए कि जो कप्तान बनेगा वो कप्तान बन के कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा और बाकी खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देंगे? बात परफॉर्मेंस की नहीं है बीबी, बात आपके सिस्टम की है। मुबारक हो आपके क्रिकेट बोर्ड को, मुबारक हो आपके उनके चलाने वालों को, रीजनल को, मुझे भी, आपको भी और सबको जिसने सबने मिलके पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ तक पहुंचाया है। सिर्फ कसूर सिर्फ ना क्रिकेट बोर्ड का है बल्कि हमारा भी है और आपका भी है, सबका भी है कि आज हम ये दिन देखने में कामयाब हो चुके हैं कि जहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान को मारेगी, मारेगी मतलब कि हराएगी नहीं, मारेगी, और इस हालत पे हम पहुंचेंगे। आज हम सारे कसूरवार हैं, बाकी मुबारकबाद हो पूरे पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुएब अख्तर, साबिक फास्ट बॉलर, तनकीद कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम कभी इन मैचेस में थी ही नहीं जिन तीनों में बांग्लादेश से शिकस्त हुई। इस बारे में आगे चलकर बात होगी।